नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि तीन बिस्वा में परवल की खेती करने में कितनी लागत होती है, कितना खर्च होता है और हमें कितना जो है बेनिफिट मिल सकता है, अभी जो है परवल का क्या रेट चल रहा है, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। तो चाचा आपका नाम क्या है? रामराज पटेल। पूरा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, पता? रामराज पटेल, प्रतापगढ़, तहसील रानीगंज, थाना रानीगंज, गांव संसरियापुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो परवल की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? लमसम भैया 10 साल से होती है। 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से होती है। तो कभी ज्यादा लग गया, कभी थोड़ा लग गया, लगा थे इतने। ये कितना बिस्वा है आपका? 3 बिस्वा में। तो दोस्तों आप देख पाएंगे इनका जो परवल की खेती है 3 बिस्वा में जो है लगाया गया है, जो कि यहाँ से वहाँ तक आप देख पाएंगे, टोटल जो है 3 बिस्वा में इसकी खेती किया गया है। और इसका जो खेती किया जाता है तो ये नीचे जो है क्या रखा गया है? पैरा है धान का। इससे क्या फायदा होता है? अपने घास कम होती है। घास कम होगी, घास कम होती। तो दोस्तों जो ये पैरा रखा गया है आप देख पाएंगे धान का, इससे ये होता है कि घास जो होगी वो नीचे दब जाएगी ना, नीचे दब जाएगी और क्या है कि घास ज्यादा नहीं रहेगा तो आपको जो ये परवल है ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो घास जो है कभी कहीं पर निकल भी जाती है थोड़े बहुत, बाकी उतना ज्यादा घास नहीं रहेगी। और इससे क्या बेनिफिट होता होगा पैरे से? पैरे से माल भी साफ है, माल साफ रहेगा, यानी दागी नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनका जो फल भी लगा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, इसमें कहीं दागी भी नहीं है। तो इसी तरह से जो है आप भी परवल की खेती कर सकते हैं, नीचे जो है पैरा जरूर रखें, इससे घास भी नहीं होगी, जो फूल लगेंगे सही रहेंगे और जो इसमें फल लगेंगे वो भी सही रहेंगे, दागी नहीं होंगे। इसमें कोई रोग लगता है ऐसा? हाँ, रोग भी लगता है भैया। कौन सा रोग आता है इसमें, किस तरह का रोग? ऐसे पत्तियां झोंस उठे, लेकिन पत्ती झोंस जाएगी अब नहीं आएंगे। और जो फल जो है लाल पड़ जाते हैं, ये देखिए, ये शायद ऐसा है कि बहुत गर्मी रही अब तक, गर्मी की वजह से। अच्छा, गर्मी ज्यादा है तो भी जो है नुकसान करेगा, लाल हो जाएगा। अरे बेचन आप खुद जानता है गर्मी कितनी। अच्छा, गर्मी ज्यादा होगा तो इसमें दिक्कत होगा। हाँ, दिक्कत होगी। तो जैसे देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर भी फल जो है पीले कलर के हो चुके हैं, यानी ये खराब हो चुके हैं ना। तो ये जो है इसका कोई दवा आता है कि सिर्फ गर्मी के कारण ही होता है? दवा आवा था भैया, लेकिन दवाई भाई सब हाँ लग जा छिड़का एक ना ओका। मतलब अधिकतर गर्मी के 5 रुपये की दवाई छिड़क। अच्छा, तो ये अधिकतर गर्मी के कारण ही ऐसा होता है। हाँ। जैसे गर्मी नहीं रहेगी, मौसम ठंडा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो गर्मी में इसका सिंचाई कितनी बार करते होंगे? जैसे गर्मी पड़ रहा है तो सिंचाई कितनी बार होता है? सिंचाई भैया कितने दिन पे? एक एक हफ्ता होता है, यानी 7 दिन में। गर्मी ज्यादा है? गर्मी ज्यादा है तो एक सप्ताह कौन सप्ताह नहीं, मतलब बारिश के मौसम ठीक है, कौन दिक्कत? जैसे इसमें अगर पानी भर जाता है बारिश के मौसम में तब दिक्कत होगा? तब दिक्कत होगा। तब क्या इसमें दिक्कत देखने को मिलेगा? तब फिर दिक्कत यही होगा, ये सब झुलसा ऐसा लगा, ये जो फल लगा है इसमें सब दागी बन जाए, दागी बनेगी, यानी जैसे पानी ज्यादा बरस बारिश हो गया, मतलब पानी बरस गया बुढ़ गया तो फिर दागी, यानी अगर डूब जाता है फल तब जो है दागी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए जब इसकी खेती किया जाए तो ऊंचे पर किया जाए। तो दोस्तों जब भी आप परवल की खेती करें तो ऊंचे पर करिए, ताकि अगर पानी बारिश होती भी है तो आप पानी निकाल करके हटा सकते हैं, ताकि आपका जो परवल है खराब ना हो। और बारिश के मौसम में अगर पानी भरा जाएगा 2-3 दिन तो खराब हो जाएगा। जैसे एक बार पानी भर गया ऊंच पर है और उसके बाद पानी खोल दिए निकल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा? तब दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी होगा जब भरा रहेगा कई दिन, एक आध दिन बुरे रह गया तो सड़ जाएगा।
अगर डूब गया तो सड़ जाएंगे, पौधे भी सड़ने लगेंगे, फल भी सड़ने लगेंगे। तो दोस्तों जब भी आप परवल की खेती करें तो ऊंच जमीन पर करें, नीच जमीन पर कभी न करें, क्योंकि बारिश के मौसम में दिक्कत होगा, आपका जो पौधा है फल है सब सड़ने लगेंगे। तो इसके लिए जो है हमें जब भी खेती करना है ऊंचे पर करना है, ताकि बारिश हो तो पानी हम निकाल सकें। यही बारे चढ़ावा जाता। तो ये कितना महीने से इसमें फल आप निकाल रहे हैं अभी? एक महीना हो गया। एक महीने से, तो कितने दिन पे कितना निकलता है? दूसरे दिन तोड़ते हैं कि परड़े तोड़ते हैं? दूसरे तीसरे 10 किलो 15 किलो, यानी कि 3 विश्वा में दूसरे तीसरे 10 किलो 15 किलो तोड़ाई होता है। तो मान लो कि महीना में दो महीने में 15 दिन तोड़ाई होता है, तो मान लो 10 किलो 15 किलो जैसा होता है, तो क्या रेट अभी मार्केट में है इसका? मार्केट भाई 60 रुपये किलो चलता है। 60 रुपये किलो, तो आप मंडी में देते हैं कि मार्केट में बैठ कर? मार्केट में बैठ कर बेचते हैं। यानी अगर आपका 15 केजी निकल रहा है तो यानी 15×96 900 रुपये, तो 900 रुपये एक दिन का हो जाता है, तो मान लो कि अगर 15×9=135, यानी आपका लगभग अगर गिनती किया जाए तो लगभग 10-12 हजार रुपया महीना की इनकम रहेगा इसमें। तो इसमें महीने का खर्च कितना आपको पड़ता है? अभी तक कितना खर्च हुआ होगा आपके, इसमें लागत कितनी लगी होगी, दवा से लेके लगाने से लेकर कितना खर्च पड़ा होगा? अब ज्यादा खर्च ना निकले फिर भी कितना? कम से कम 1500 रुपये। 1500 रुपया, यानी 1500 रुपया खर्च हो गया। तो सिंचाई पटाई सब लेकर के, तो दोस्तों ये 1500 रुपये इनका खर्च हो चुका है, जो सिंचाई भी लेकर के, और उसके बाद जो है ये कितना महीने तक तोड़ाई देगा? अभी तोड़ाई भैया दे दीपावली बताए, दीपावली तक, यानी 4 महीने तक तोड़ाई होगा। तो दोस्तों इसका 4 महीने तोड़ाई होगा। अभी इनको मान लो एक दिन का 10 से 12 हजार रुपया होता है, यानी अगर 12 हजार रुपया गिनती किया जाए तो 4 महीने अगर लगातार इसका तोड़ाई होगा तो लगभग इनको 12×48 यानी 48-50 हजार। इसमें आपका खर्च मान लो कि 8-8 हजार रुपया खर्च हो जाएगा ना। यानी आपको इतना अगर 3 विश्वा में कोई भी किसान किया है तो मान लो कि सीधा सीधा कम से कम 45-50 हजार रुपया तो कमा सकता है। तो दोस्तों इसका रेट भी ज्यादा होता है, रेट भी अच्छा होता है, लगता है कि सभी सब्जियों में लगभग इसी का रेट ज्यादा है और ये बिक भी जाता है ना। तो दोस्तों जहाँ भी आपकी मंडी जो भी रेट चलता हो तो आपके वहाँ क्या रेट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सब्जी ऐसी है परवर की कि इसमें जो है रेट भी बहुत बढ़िया मिलता है, और रेट भाई रेट ज्यादा हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और इसमें मेहनत भी उतना ज्यादा नहीं, एक बार हो गया बस। तो दोस्तों मेहनत ना ये बाएं बाएं देखते ही। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर 3 विश्वा में आप भी किए हैं तो लगभग मान लीजिए 45-50 हजार रुपये की इनकम कर सकते हैं परवल की खेती से। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।